नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दया लिटिल फ्लावर गैलरी में। और आप देख रहे हैं कि हम कढ़ाई रखे हैं गैस पर। तो आज हमारा मन किया कि आज हम कुछ खाने का आइटम जो है वीडियो में डालें। तो आज हमने जो है लड्डू बनाने की तैयारी हो रही है, मकर संक्रांति आ गई है। तो मकर संक्रांति तो कल है, तो यहाँ पर जो है मतलब लड्डू बहुत ही फेमस है। तिल के लड्डू हर घर में बनता है, तो जिसको जितना रहता वैसा बनाता है। तो हमने कढ़ाई रखा है और उसमें जो है सेंगदाने, महाराष्ट्र में सेंगदाने बोलते हैं इसको, मूंगफली को। तो ये व्हाइट वाले सेंगदाने, इसमें दो टाइप के होते हैं, लाल वाले और ये व्हाइट वाले। तो हम व्हाइट वाले लेकर आए हैं, इसको हम भूनेंगे। और उसके बाद में हमारा जाता है फिर ये तिल। ये तिल आप देख सकते हैं, इसको हमने अभी भूना नहीं है, इसको हमको भूनना है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि महाराष्ट्र में तिल के लड्डू कैसे बनते हैं। तो ये पहले हमारा ये शेंगदाना यानी मूंगफली भून जाएगा, उसके बाद हम आप तिल को भूनेंगे। तो मन किया कि चलो भाई आज हम ये बना दें, कि आज हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक बार जो है खाने का वीडियो डाल देंगे, शायद किसी को पसंद आए। और महाराष्ट्र में किस टाइप से बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे इधर तो सब कुछ कच्चा जो है तिल सुबह नहा धो के छू करके दान किया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे घर घर वान बोलते हैं, वान घर घर लेडीजों को बुलाते हैं और वान बांटते हैं, उनके आंचल में सब कुछ देते हैं। मटर हो गया, तिल के लड्डू हो गए और फूल हो गया, और सबको जो है टीका लगाते हैं बुला करके। ये सबको जैसे हम अपने इधर सिंदूर वगैरह लगता है, यहाँ सिंदूर नहीं, यहाँ पे जो है एक आता है रोरी, लाल वाली रोरी आती है, तो उसको जो है बुलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे को नाम भूल गया, बोले हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुमकुम, हल्दी कुमकुम इसको बोलते हैं, हल्दी कुमकुम के लिए आ जाओ करके। तो सभी लोग एक दूसरे को अपने अपने घरों में बुलाते हैं, हल्दी कुमकुम लगाते हैं और कुछ वान जब देते हैं, यानी कि जब मटर वगैरह सब फली मटर और तिल के लड्डू देते हैं और उसमें फ्लावर देते हैं और कुछ बर्तन देते हैं, छोटा ही बर्तन हो चाहे चम्मच हो गिलास हो, कुछ भी बांटते हैं आंचल में देते हैं। तो उस समय कोई पोयम बोली रहती है हस्बैंड का नाम लेकर के, तो उसको वान बोलते हैं यहाँ पे, कि हमारा वान देते हैं। और उसमें इस तिल गुड़ का बहुत ही महत्व रहता है। यहाँ बड़े पैमाने पर भी बड़े बड़े स्टॉल लगा करके लोग तिल गुड़ भी बनाते हैं, मतलब कॉलोनी में जैसे जन्मोत्सव या गणेश उत्सव मनाते हैं उस टाइप से भी होता है। लेकिन कोरोना की वजह से अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लोग घरों में ही एक दूसरे को बुलाते हैं। तो ये हमारा सेंगदाना भून गया है, और सेंगदाना भून गया, अब हम तिल को भूनेंगे और धीमी आंच पर भूनेंगे उसको। सिंगदाने को अब हम मूंगफली को जो है बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से तड़कने की आवाज आ गई है, तो हम सब बाहर निकाल लेते हैं इसको। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम तिल भून लेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है इसको, सब कुछ भून लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। भूनने के बाद हम कढ़ाई को फिर कपड़े से साफ कर देते हैं, और इसके बाद जो है हम ये जो तिल है ना ये आधा आधा करके भूनेंगे। पहले हम आधा डाल देते हैं भूनने के लिए, और जैसे ही चटकने की आवाज आएगी वैसे ही जो है हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा आधा भूनने के लिए चले गए, अब हम इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही भुनने लगता है और आवाज आने लगती है, तो इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। ये हमारा एक तैयार हो गया है, एक बार तिल हमने भून लिया, अब ये दूसरा हम तिल दूसरी बार का हम तिल डाल रहे हैं और इसको भी हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा एक बार का ये तिल तैयार हो गया है, तो ये तड़कने की आवाज़ आई है जब हमने इसको निकाल दिया है, और ये सारी चीज़ों को हम ठंडा होने देंगे। और ये दूसरी बार का हमारा ये चालू है कि इसको भी हम भूनेंगे, और ये भी जब तड़कने की आवाज़ आ जाएगी, चिट चिट की आवाज़ आती है इसमें से, जब वो आनी शुरू हो जाएगी तो इसको भी हम उतार लेंगे।
देखिए दोस्तों, हमारा तिल तो भुन चुका है। अब हम जो सिंगदाना है हमारा, ये ठंडा हो गया है। तो ये ठंडा हो गया है तो इसको हम ये मिक्सर के पॉट में दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा बस पीसना है हमको। ये हमारा मिक्सर है, इसमें हम दरदरा पीसना शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये दरदरा पीस चुका है, देख रहे हैं। बस हमको इतना ही पीसना है और इससे ज़्यादा नहीं पीसना है। और इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे तो ये जो है इसके सारे छिलके बाहर आ जाएंगे। और तिल अभी हमारा ठंडा हो रहा है तो उसका हमको इंतज़ार करना है, थोड़ा हम इंतज़ार करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तिल ठंडा हो गया। अब हम इसको मिक्सर में पीस करके निकालेंगे। ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, वो दरदरा भी थोड़ा रखेंगे और फिर हम इसको मिक्सर में पीस के निकालते हैं और उसके बाद आपको फिर हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये तिल जो है दरदरा हो गया है और इसी तरह से हम सारे तिल को निकाल लेंगे पीस करके। देखिए दोस्तों, ये हमने सेंगदाना को जो है क्रश कर लिया है मिक्सर में, और ये हमने तिल को भी बना लिया है और ये भी है हमारा। तो अभी हम खलबत्ते लेंगे, खलबत्ता लेंगे और उसमें ये 1 किलो हमारा तिल है और ये 1 पाव हमारा सेंगदाना है और ये हमारा जो है 1 किलो गुड़ है, लेकिन हमको इसमें सिर्फ आधा किलो ही गुड़ डालना है। तो सबसे पहले हम खलबत्ते को साफ कर लिए हैं और इसमें आधा किलो गुड़ जो है हमको कूटना है। तो थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे और लड्डू भी बनाते चलेंगे। तो ये 2 हमने अभी फिलहाल के लिए डाल दिया है। चलो एक और डाल देते हैं। तो इसको हम कूटेंगे और इसी में साथ साथ सेंगदाना और तिल भी डालते जाएंगे, जिससे क्या होगा उसमें जो है फाउंडेशन बनेगा और वो अपने आप जो है बिना किसी मदद के, जो है बिना किसी पानी के या फिर दूध के, जो है वो अपने आप लड्डू बनेगा। देखिए दोस्तों, हमने इसको कूट लिया है। अब इसमें हम सेंगदाना डाल देंगे। अब इसमें हम जो है ये क्रश किया हुआ तिल भी डालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें फूटने से जो है ये इस टाइप का फाउंडेशन बनता जा रहा है और गुड़ में ये चिपकता जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम और कूटेंगे और उसके बाद में इससे हम लड्डू बनाएंगे। देखिए, हमने इसको खलबत्ते से अब बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े में हो गया है। तो अब हमको ऐसे ही उठा उठा करके और लड्डू बनाना शुरू करना है। लड्डू अपने अपने हिसाब से, अपने साइज के साइज से बनाइए, छोटे बड़े। ये देखिए, इसमें कुछ भी लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बन गया। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ज़्यादा गुड़ है, ज़्यादा गुड़ नहीं है, एकदम बराबर हिसाब से है। देखिए, हमारा मकर संक्रांति के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार है। और ये हमने अपने तरीके से बनाया, हम ऐसे ही अपने घर के लड्डू बनाते हैं। तो आप लोग अपने घरों में मकर संक्रांति के दिन ये लड्डू ज़रूर बनाएं और ये लड्डू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मकर संक्रांति की बधाइयाँ।